पिक रहेगा ज्वेलरी सेगमेंट से, और मेरा पिक रहेगा सिनको गोल्ड। करंट मार्केट प्राइस 780 है, स्टॉप लॉस 740 का रखना है, और प्राइस टारगेट रहेगा मेरा 880 का। पोजिशनल पिक है। अगर हम बिजनेस कारोबार की बात करते हैं तो मार्केट लीडर है ईस्टर्न इंडिया में ज्वेलरी ऑर्गेनाइज सेगमेंट में। इन्होंने जो प्रोविजनल अपडेट दिया था दिसंबर क्वार्टर का, काफी एक रोबस्ट अपडेट दिया था, जिसमें इन्होंने कहा है कि जो दिसंबर क्वार्टर रहेगा ये एक रिकॉर्ड क्वार्टर रहेगा इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। थर्ड क्वार्टर में ये 24% रेवेन्यू ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन करते हैं, और पूरे 9 महीने में अप्रैल टू दिसंबर का जो 9 महीने का सत्र है उसमें 26% की ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं। 9% वॉल्यूम ग्रोथ रहेगी गोल्ड में, 27% वॉल्यूम ग्रोथ रहेगी डायमंड में। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ डबल डिजिट 17% रहेगी दिसंबर क्वार्टर में। और अगर मैं थोड़ा सा लंबा नजरिया लेता हूँ तो हमारा ये मानना है कि ये कंपनी की जो प्रॉफिट है अगले 2 साल में 22% केगर से ग्रो होगी, और FY26 में कंपनी तकरीबन 282-300 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज करेगी। वैल्यूएशन के लिहाज से 20 टाइम प्राइस टू अर्न मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है FY26 के प्रॉफिट पे। पोजिशनल पिक रहेगा ज्वेलरी सेगमेंट।